नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में नए गठबंधन सहयोगियों के शामिल होने के 12 दिन बाद राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को वित्त विभाग दिया गया, जबकि एनसीपी नेता छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया। वर्तमान में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार में अजीत पवार के साथ ही राकांपा के 9 विधायकों को 2 जुलाई को शामिल किया गया था। समझा जा सकता है कि विभागों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही थी और इसी वजह से देरी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि वित्त विभाग को लेकर काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है अजीत पवार को। पिछले महीने अपने चाचा और पार्टी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ अजीत पवार ने बगावत कर दी थी। इस बगावत के लिए अजीत पवार को राज्य के खजाने की चाबियों से पुरस्कृत किया गया है। अजीत पवार वित्त मंत्रालय के अलावा योजना विभाग का कार्यभार भी संभाल लेंगे। इसके साथ ही धर्मराव बाबा अन्नाम को औषधि और प्रशासन यानी FDA पोर्टफोलियो दिया गया है। सहकारिता विभाग दिलीप बालसी पाटिल के अधीन होगा और धनंजय मुंडे को कृषि विभाग सौंप दिया गया। हसन मुशरीफ चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रबंधन करेंगे, जबकि अनिल पाटिल राहत और पुनर्वास के साथ साथ आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करेंगे। अदिति तटकरे को महिला एवं बाल कल्याण विभाग, जबकि संजय बनसोडे को खेल और युवा कल्याण एवं बंदरगाह विभाग दिया जाएगा। पोर्टफोलियो बंटवारे के इस कदम के बाद गठबंधन के कुछ पुराने सदस्यों के बीच असंतोष की रिपोर्ट सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी के कुछ गुटों द्वारा उठाए गए व्यापक अटकलों और आपत्तियों के बीच शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा था कि कैबिनेट विस्तार और विभागों का आवंटन होना ही था, ये केवल वक्त की बात थी। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने संदेह जताया था कि मंत्री पद के लिए दावेदार विधायकों की संख्या और उपलब्ध वास्तविक पदों में असंतुलन को देखते हुए कैबिनेट विस्तार सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी असंतोष है। तीनों पार्टियों के विधायकों की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत मुश्किल है। दानवे ने कैबिनेट विस्तार में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की संभावित उपेक्षा पर भी सवाल उठाया। अयोग्यता पर 2 हफ्ते में जो रिपोर्ट है वो पेश करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के धड़े की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ लंबित जो अयोग्यता याचिकाएं हैं उन पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ रियल एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।